जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। इसको लेकर के पिछले 2-3 दिनों में कुछ बड़ी अपडेट सामने आई, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। पहले ये बताया गया कि भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट से घट करके सिर्फ 57 बची, लेकिन बाद में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों से बातचीत के बाद ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय वायुसेना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के ही आगे बढ़ रही है। उसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आती है कल, वो है द प्रिंट की, जहां पर इस पूरे के पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेकर के कुछ बड़ी जानकारियां सामने आई हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। प्रिंट की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत सरकार 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है उसको दो भाग में स्प्लिट करेगी, यानी दो सेपरेट ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा, और भारतीय नौसेना अपना जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है वो अलग से एग्जीक्यूट करेगी। प्रिंट की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय वायुसेना पहले 54 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करेगी, उसके बाद जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स है वो आते रहेंगे। यानी अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो पहला ऑर्डर होगा 54 एयरक्राफ्ट का, उसके बाद जो एडिशनल ऑर्डर है 60 एयरक्राफ्ट के वो दोबारा से प्लेस किए जाएंगे। गौर करने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि 18 एयरक्राफ्ट 54 में से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा बना करके दिए जाएंगे, फ्लाई बाय कंडीशन में भारत आएंगे। बाकी के जो 36 एयरक्राफ्ट होंगे उनका निर्माण मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ज्वाइंट वेंचर में भारत में ही किया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा जो बातचीत है वो भी शुरू है। बताया तो ये भी जाता है कि जो ऑर्डर होगा वो सीधा फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ प्लेस किया जाएगा। हालांकि जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इस पर संदेह भी उत्पन्न हुए और लोगों ने जब प्रश्न करना शुरू किया कि क्या 54 एयरक्राफ्ट से भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को नुकसान नहीं होगा, क्या हमारी रिक्वायरमेंट ये पूरी हो जाएगी, तो इस पर बात करते हुए सोर्सेज ने द प्रिंट के जो न्यूज़ के कह सकते हैं जो पत्रकार हैं उनसे बात करी और कहा कि सिर्फ 54 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा बल्कि आगे जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स हैं वो भी दिए जाएंगे और उनका निर्माण ज्वाइंट वेंचर में किया जाएगा और जो आगे की डील होगी वो इंडियन करेंसी में करी जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर सामने आई है और वो ये है कि दो ही ऐसे हैं जो प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आए हैं, दो कंपनियाँ ही हैं जो प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही हैं। हालाँकि ये एक वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट ये कहती है कि बोइंग और डसाल्ट एविएशन दो ही ऐसे हैं जो प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना राफेल्स के साथ काफ़ी खुश है, राफेल जेट को लेकर के भारतीय वायुसेना संतुष्ट भी है और इंडिया ने पहले से ही 36 राफेल जेट को खरीद के रखा हुआ है डसाल्ट एविएशन से और दो अलग अलग बेसिस में इनको तैनात करके रखा गया है। इनके सिमुलेटर और ट्रेनिंग के सारे इक्विपमेंट भारत में आ चुके हैं, इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट से इनको इक्विप किया जा रहा है। अगर आप फ्रांस को देखें तो फ्रांस ने अपने प्रत्येक बेस में तकरीबन 72 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करके रखा है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत के 36 राफेल जेट्स को दो अलग अलग बेसिस में डिप्लॉय किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले समय में भारत एडिशनल राफेल जेट्स का ऑर्डर प्लेस करे अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। और ये चीज़ एक संदेह के घेरे में भी आती है क्योंकि भारत ने जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया है राफेल का, उसको देख करके इस मामले के जानकार लोग ये अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि हो सकता है भारत आगे चल के एडिशनल राफेल पर ही जाए। वहीं बोइंग भी इससे पीछे नहीं दिख रही है, बोइंग पूरा प्रयास कर रही है कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 या F-15EX दोनों में से कोई एक एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करे। इसके लिए लगातार बोइंग जो फाइनल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के प्रयास में है और एक के बाद एक जो अट्रैक्टिव ऑफर है वो बोइंग के द्वारा भारत को दिए जा रहे हैं। अगर आप पास्ट में देखें तो दोनों कंपनियों ने भारत के साथ अच्छा खासा वार्तालाप किया है और दोनों ने जो प्रोडक्शन लाइन है उसको शुरू करने की बात कही है, लेकिन दोनों के तरफ से एक खास चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि प्रोडक्शन लाइन में एक शर्त है। प्रोडक्शन लाइन डिपेंड करेगी कि कितनी संख्या में एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। जी हाँ, डसाल्ट एविएशन और बोइंग दोनों ने कहा है कि पहले नंबर्स ये डिसाइड करेंगे कि हम प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शिफ्ट करेंगे या नहीं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो डसाल्ट एविएशन का पहले एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इंडिया में प्रोडक्शन लाइन तभी शुरू करेंगे जब मिनिमम ऑर्डर तकरीबन 100 फाइटर जेट्स का होगा,
यानी कि तकरीबन 100 फाइटर जेट्स का जब ऑर्डर होगा तभी डसॉल्ट एविएशन भारत में एक प्रोडक्शन लाइन को शुरू करेगी। हालांकि असेंबली लाइन को लेकर के बातचीत तो चल ही रही है और माना जा रहा है कि डसॉल्ट और रिलायंस का जो ज्वाइंट वेंचर है उसके अंतर्गत आगे आने वाले समय में असेंबली लाइन आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि जो चीज़ें अभी बताई गई हैं बोइंग और डसॉल्ट एविएशन की तरफ से प्रोडक्शन लाइन को लेकर के वो 54 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स पे कह सकते हैं शामिल होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। भारत सिर्फ MRFA पर ही ध्यान नहीं दे रहा है बल्कि भारत का जो प्राइमरी फोकस इस समय है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का सबसे एडवांस वेरियंट तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख का जो बयान है उसमें ये कहा गया है कि अब भारतीय वायुसेना स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट पर ज़्यादा फोकस कर रही है। सोर्सेज ने इस तरफ भी इशारा किया है कि भारतीय वायुसेना राफेल से काफ़ी खुश है और आने वाले समय में इसमें कोई संदेह भी नहीं होगा कि अगर भारत सरकार ये डिसीजन लेती है कि एडिशनल राफेल खरीदे जाएंगे, क्योंकि अब जो राफेल खरीदे जाएंगे इसको लेकर के मामले के जानकार लोग कहते हैं कि ये 36 जो राफेल खरीदे गए हैं उनसे सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने तकरीबन 1700 मिलियन यूरोज पे कर दिए हैं अपने इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के लिए। और सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि अब मॉडिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट है वो उतनी नहीं पड़ेगी जो 36 राफेल जेट्स के लिए पड़ी थी। इसके अलावा भारत ने ट्रेनिंग और जो मेंटेनेंस पूरा डिपो है वो भी सेट करना शुरू कर दिया, इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है और भारत ने अधिकतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना भी शुरू कर दिया है, जिससे कि कॉस्ट में कटौती की जो संभावनाएं हैं वो भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 7 अलग अलग टाइप्स के एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है, 7 अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है। इसलिए एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अब शायद भारत एडिशनल किसी अलग कैटेगरी पर ना जाए बल्कि जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं इनको ही वो सेलेक्ट करे। हालांकि बात करें अगर कन्फर्म अपडेट की तो इसको लेकर के अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन प्रबल दावेदार F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल के अलावा F-15EX भी दिखाई पड़ता है। बात करें अगर हम इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी के साथ भी यही सीन है। इंडियन नेवी ने पहले भी बोइंग से तमाम उनके जो रक्षा उपकरण हैं वो खरीदे हैं और माना जा रहा है कि इस बार F-18 सुपर हॉर्नेट के जो चांसेस हैं जीतने के वो सबसे ज़्यादा हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि हाल ही में बोइंग के तरफ से भारत को P-8I दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे रक्षा उपकरण हैं जो बोइंग भारत को सप्लाई करता है और इसलिए देखा यह भी जा रहा है कि शायद भारतीय नौसेना भी बोइंग के इन्हीं एयरक्राफ्ट के तरफ जा सकती है। तो आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खास होगा, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े कॉम्पिटिशन हैं जिनका नतीजा इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है। भारतीय नौसेना एक तरफ जहाँ डिसाइड करेगी कि उसको राफेल M चाहिए या F-18 सुपर हॉर्नेट, तो वहीं भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द अपना जो MRFA है उसको क्लियर करने के प्रयास में है और माना जा रहा है कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इस वर्ष के अंत तक नहीं तो अगले वर्ष की शुरुआत में इशू किया जा सकता है, जिसके बाद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के अंतर्गत जो डील है वो साइन करी जाएंगी। वहीं भारतीय नौसेना भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल करके 26 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेगी जो कि आने वाले समय में उसके ताकत को बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।